मैं किसान हूं आसमान में धान बो रहा हूं, मैं किसान हूं आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूं कि गेगले गोगले अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा और या तो आसमान में धान जमेगा। कौन है ये जो आसमान में धान बोने जैसी इम्पॉसिबल बात कर रहा है? पागल, फक्कड़, फटेहाल, जनकवि, कॉमरेड, बहुत सारे नाम और कई सारी पहचान। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो शायद इनकी कविताओं और इन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है, विद्रोही। विद्रोही जी। कवि का नाम विद्रोही, विद्रोही कवि, विद्रोही और विद्रोह का कवि। एक ऐसा कवि जो पेपर पर नहीं अपने दिमाग में कविता लिखता था, जिसे लोग किताबों में नहीं सड़क, नुक्कड़, चौराहों और मोर्चों में सुनते थे। एक मिसअंडरस्टूड और अंडर अप्रिशिएटेड आर्टिस्टिक जीनियस या एक कैरिकेचर, एक उपहास चित्र JNU का, आदि विद्रोही या फिर बस विद्रोही। नमस्कार, आपका स्वागत है द मानसरोवर पॉडकास्ट में। आज बात करेंगे रमाशंकर यादव जी की, जिन्हें लोग जानते हैं उनके उपनाम विद्रोही से। एक बार फिर से हर बार की तरह मैं ये बताना चाहता हूं कि विद्रोही जी जैसे कवि के बारे में हमारी समझ और इस माध्यम में समय दोनों ही कम है। ये कोई लिटरेरी या साहित्यिक विश्लेषण नहीं है, ना ही कोई समीक्षा है विद्रोही के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की। ये संभव नहीं है, ये बस एक कोशिश है एक कवि और उनकी रचनाओं को आपके समक्ष रखने का, ताकि आप खुद अपनी तरह से उन्हें पढ़ सके और समझने की कोशिश कर सके। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं, उन्हें देखिएगा जरूर। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट भी है विद्रोही जी की वीडियोस की। 2017 में हैदराबाद में परफॉर्म करते हुए किसी ने विद्रोही का जिक्र किया, बोला बड़ा तगड़ा कवि है यार, सड़कों पर खड़े होकर कविता पाठ करता है। हमने सोचा ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, कवियों की थोड़ी इमेज खराब है ना। हम जब आज भी कवि शब्द को सोचते हैं तो आंखों के सामने एक तस्वीर आती है, मोटा चश्मा, चप्पल, कुर्ता और जीन्स, एक झोला, दुनिया से परेशान। विद्रोही ये सब कुछ होते हुए भी ये कुछ नहीं थे। विद्रोही के कविता पाठ का नमूना आपने इस एपिसोड की शुरुआत में सुना। यूट्यूब पे हर किसी ने हाथ आजमाया है विद्रोही को पढ़ने का, लेकिन शायद कोई पास भी नहीं आ सका उनके स्टाइल के, क्योंकि उनके ज्यादातर रिकॉर्डेड वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं। आज विद्रोही की कविता विद्रोही ही पढ़ेंगे। आज विद्रोही हमको एक्सेसिबल है तो उसका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है नितिन बमनानी जी को, जिन्होंने विद्रोही पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं तुम्हारा कवि हूँ। ये एपिसोड उनकी इस डॉक्यूमेंट्री के बिना संभव हो ही नहीं सकता था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एपिसोड को सुनने के बाद इसे ज़रूर देखें। ये यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद्रोही कौन है? उम्मीद रखता हूँ कि इस एपिसोड के बाद शायद इस सवाल के जवाब के थोड़ा और करीब पहुँचें आप और मैं साथ में। कि कुछ औरतें अपनी इच्छा से कुएं में कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है? मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। क्या बात है? मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ लगाए पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर के फौजियां और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम की है। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूद कर और चिता में जलकर मरी है फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानों को दोबारा कलम बंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी सात बित्ते की देह को ताजिंदगी समोए रही और कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं, और जब बाहर निकली तो औरत नहीं उसकी लाश निकली।
जो खुले में पसर गई है माँ मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में पसर जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे साबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तंबू से लैस सीनों को फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वह महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वो भी तैयारियां कर रहे हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा है और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें और जोर से रोती हैं, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वो मर जाती हैं। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। लेकिन मेरी चिंता है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये नहीं होगी। उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ बहुत सारे लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, इसलिए संक्षिप्त में बोलूंगा। दिसंबर 1957 रमाशंकर यादव का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अहिरी फिरोजपुर ग्राम में। बचपन गरीबी में बीता, LLB की पढ़ाई शुरू करी उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें रेस्टिकेट कर दिया गया। इसके बाद रमाशंकर पहुंचते हैं दिल्ली JNU हिंदी विभाग से MA करने के लिए। 1983 में एक और स्टूडेंट आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, इसके लिए उन पर मुकदमा चला और उन्हें फिर से रेस्टिकेट कर दिया गया। इस फैसले का विद्रोह करने के लिए रमाशंकर फैसला करते हैं कि वो JNU कैंपस कभी नहीं छोड़ेंगे, आजीवन वहीं रहेंगे, कविता पाठ करेंगे और विद्रोह करेंगे। इस तरह रमाशंकर बन जाते हैं विद्रोही। JNU के लोगों के पास बहुत किस्से हैं विद्रोही को लेकर। वो हर स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा होते थे, रहने की जगह के अभाव में JNU के गलियारों में भटकते रहते थे, गंगा ढाबर पर चाय और बीड़ी पीते नजर आते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ पॉलीथीन बैग्स में उनकी जिंदगी सिमटी हुई थी। जितने लोग उतने सच, उतनी कहानियां। 2015 से एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं मेरे दोस्त सुमित। जी अनंत भाई, तो जैसे अपन थे उसमें INC में थे, वहां से INC से JNU एंट्री ले सकते थे। एक वहां पे ना फेमस ढाबा है गंगा ढाबा करके, तो हम हमेशा वहां पे चाय पीने के लिए चले जाते थे शाम को क्लास खत्म होते ही। तो एक बार क्या हुआ सीन कि रैलियां निकल रही थी जो वहां पे निकलती है JNU में, बहुत आम कल्चर में तो निकल रही थी। तो एक बहुत ही गंदा सा कपड़े पहना हुआ एक बुड्ढा आदमी आया, तो मतलब ऐसे जैसे वो सीटें में भिखारी भिखारी नहीं घूमते रहते, और आके मुझसे पूछने लग गया कि साथी साथी ये तुमने तुमने देखा ये वो कहाँ गई है, रेली कहाँ गई है, रेली कहाँ गई है, ऐसी मतलब फास्ट में। तो पहले मेरे को लगा कोई भीख भीख मांगने वाला मतलब, पहले मैं फिर वो बार बार पूछने लग गया। फिर मैंने उसको मैंने ऐसे टरकाने के लिए बोल दिया कि इस तरफ गई है, मतलब हाथ करके उधर गई है। तो वो चला गया, और जैसे ही वो गया वैसे ही मेरा एक और दोस्त आया, तो मेरे से पूछने लग गया अबे ये यहाँ पे क्या कर रहे थे। मैंने कहा तू जानता है इन्हें, उसने मेरे से पूछा तू नहीं जानते ने? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। कहता भाई तूने रविशंकर का नाम सुना है? मैंने कहा नहीं। कहता तूने विद्रोही का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ। कहता है विद्रोही? तूने कौन सा विद्रोही है? वही वाला विद्रोही है? तो कहता हाँ ये वही वाला विद्रोही है। तो मैंने कहा ये ऐसा बंदा है? कहता हाँ ये ऐसा ही रहता है हमेशा, यहीं पे जंगल वंगल जो थे JNU के वहीं पे रहता था। तो कभी किसी ने कोई शर्ट दे दी, कभी किसी ने कोई पैंट दे दी, या फिर किसी ने जूते वूते दे दिए हॉस्टल से निकलते वक्त, तो वो उनके साथ ही पहन के उन्हीं के साथ रहता था। पागल, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, वामपंथी, ये सब श्रेणियां हैं जो सुविधा के हिसाब से होती हैं। सुविधा की हम ज़्यादा सोचें ना, और जो ढांचे हमारे दिमाग में पहले से हैं उसमें जो का त्यो किसी को भी उतार लें, ओपिनियन बनाना आसान हो जाता है। इन सभी कैटेगरीज में विद्रोही फिट बैठते हैं। कुछ और भी लिटरेरी कैटेगरीज हैं आपके लिए, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, नारीवादी, फेमिनिस्ट, हिंदी और अवधि या मौखिक धारा के कवि। अब उन्हें इनमें से किस कैटेगरी में रखना है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे लगता है अपनी रचना का मतलब बस कवि ही समझ सकता है। मेरी कविताएं मुझको इसलिए अच्छी लगती है कि मेरी कविताओं में विद्रोह है। वह रेजिस्टेंस की कविताएं हैं, प्रतिवाद हैं, प्रतिरोध हैं, प्रतिशोध हैं, वह बैरिकेड हैं, वह वार्तिक हैं कात्यायन की, वह प्रश्न चिन्ह है
व्यवस्था पर, सिद्धांत कौमुदी पर। वो अपने आप को मौखिक धारा का कवि बताते थे, कबीर के उत्तराधिकारी। इसलिए उनके जीवन काल में उनकी कविताओं का बस एक ही संग्रह प्रकाशित हुआ, नई खेती नाम से। वो भी उनके प्रशंसकों ने किसी तरह जारी किया। आज नई खेती का मिलना बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन तो नहीं मिली, आपको मिले तो बताइएगा। विद्रोही के हर परफॉर्मेंस के साथ उनकी कविताएं बढ़ती या घटती रहती थी, जैसा उनका मन होता था। जिसका जैसा मन हुआ उसने वो नाम दे दिया। हम कविताओं का शीर्षक रखने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है, और हमारी कविताओं की ज़्यादातर कविताओं के शीर्षक नहीं हैं, और वो जो कविताएं हमारी ले जाते हैं वो अपने ढंग से जैसा समझे वो अपना शीर्षक बना सकते हैं। विद्रोही की कुछ 25-30 रचनाएं ही उपलब्ध हैं ऑनलाइन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़िएगा। वो कोई खुदा नहीं, खुदा का बच्चा भी नहीं, सवाल आदमी का है, आदमी ही खड़ा होगा। और मुझे मसीहाई में कोई यकीन है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि कोई मुझसे बड़ा होगा। कवि बड़ा है या कविता, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ। क्या कुछ आर्टिस्ट की रचनाएं हमें बस इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता है और वो इंटरेस्टिंग है? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। आप जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इसके बारे में बात करते हैं। विद्रोही क्या बस इसलिए एक लेजेंड है कि उनकी जीवन शैली आम कवियों से अलग थी? क्या कवि को कभी भी कविता से अलग किया जा सकता है? मैं भी मरूंगा और भारत वाग विदाता भी मरेंगे, मरना तो जनगण मन अधिनायक को भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जनगण मन अधिनायक मरे, फिर भारत वाग विदाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर ले और मित्र सब करें जिंदगी। ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मार कर तब मरा। और उनकी रचनाएं पढ़ और सुन के शायद अब आप भी माने विद्रोही वाकई में तगड़ा कवि था। 2017 में हमने भी एक छोटी सी कोशिश करी थी विद्रोही जी की एक कविता है मोहन जोदड़ो की आखिरी सीढ़ी, उस पर कुछ काम करने के। कभी मौका नहीं मिला कि इसका वीडियो बना सके और हमने ये कभी अपने YouTube चैनल पर भी नहीं डाला। इसका ऑडियो ओनली वर्जन हमारे साउंड क्लाउड पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सुनिएगा। और अगर हमारे साउंड क्लाउड तक पहुँच गए हैं तो वहाँ और भी बहुत कुछ मिलेगा जो यूट्यूब पर नहीं है या फिर और कहीं भी नहीं है। खैर, ट्रू टू हिज नेम, विद्रोही विद्रोह करते रहे। करीब 2 दशक से ज़्यादा वो JNU में रहे, कविता करी, छात्र मोर्चे के हिस्से बने। उनकी रचनाएं सभी प्रोटेस्ट में जान फूंकती रही और उन्हें फ्यूल करती रही। दिसंबर 2015 में जंतर मंतर में एक विरोध मोर्चे में उन्होंने भाग लिया। सुबह वहां जाने से पहले उन्होंने कुछ अस्वस्थ होने की शिकायत करी। प्रोटेस्ट से लौटने के बाद विद्रोही सोए और हमेशा के लिए सोते रह गए। मैंने बहुत कोशिश करी कि इस एपिसोड का कुछ सॉलिड कंक्लूजन दूं एंड में, लेकिन फ्रैंकली मैं समराइज करना नहीं चाहता हूं या फिर कर भी नहीं सकता हूं। विद्रोही के अपने शब्दों में, मरने को चे गुवेरा भी मर गए और चंद्रशेखर भी, लेकिन वास्तव में कोई नहीं मरा। सब जिंदा है जब मैं जिंदा हूं इस अकाल में। मुझे क्या कम मारा गया है इस कलिकाल में, अनेकों बार मुझे मारा गया है इस कलिकाल में, अनेकों बार घोषित किया गया है राष्ट्रीय अखबारों में, पत्रिकाओं में, कथाओं में, कहानियों में कि विद्रोही मर गया। तो क्या सचमुच मर गया? नहीं, मैं जिंदा हूं और गा रहा हूं। आप सुन रहे थे द मानसरोवर पॉडकास्ट। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, थोड़ा और जानने का मन किया होगा विद्रोही के बारे में। ऐसा है तो फिर से याद दिलाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट और लिंक्स को चेक करें। विद्रोही को याद रखना ज़रूरी है। आपका इस एपिसोड को यहाँ तक सुनना ये आपका योगदान है उनकी यादों और सोच को जिंदा रखने में। इस सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी और को भी सुनना चाहिए, आपको कोई साथी, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी, तो इसे उनसे शेयर करिएगा। क्या पता ऐसे ही किसी को अपना नया फेवरेट कवि मिल जाए या फिर किसी की हिंदुस्तानी साहित्य में रुचि हो जाए। एक बार फिर से धन्यवाद, जल्दी फिर मिलना होगा। कविता पढ़ते रहिए।